हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम लोग महत्वपूर्ण विविध एवं सामान्य अध्ययन के लिखित परीक्षा के स्पेशल प्रश्नों में आज हम लोग सेट टू देखते हैं। उसमें हमने देखते हैं, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में पाली भाषा में दिया। कहाँ दिया? उपदेश अपना सारनाथ में दिया, वाराणसी में जो स्थित है। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया उन्होंने? श्रावस्ती में दिया। इनके उपदेशों को चार आर्य सत्य कहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी, भाषा पाली भाषा, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। उपदेशों को क्या कहा गया? चार आर्य सत्य कहा गया। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन दरबारी सम्राट कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समकालीन दरबारी सम्राट कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। दोस्तों, अगर आपको साफ न दिख रहा हो तो यहाँ पे आप यूट्यूब के कॉर्नर पे जाएंगे, आपको तीन बिंदी मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखाई देगी और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। दिल्ली के जिस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, 1800 क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की वह बेलगाम कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ? बेलगाम कर्नाटक। यह अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर्नाटक के बेलगाम में की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय 31 दिसंबर 1916 में मुगल बादशाह अकबर जबकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे देखते हैं हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड या आयरिश के संविधान से ली गई है। सेनावृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। एक वर्ष में संसद की दो बार बैठक होना आवश्यक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। IMF IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1784 में कलकत्ता में गठित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम्स जोन्स थे। आगे हम लोग देखते हैं, अष्टप्रधान शिवाजी के अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के मंत्रिपरिषद थे। अष्टप्रधान, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल वंकिमचंद चटर्जी के आनंद मठ को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में आर्थिक दोहन ड्रेनिंग थ्योरी के सिद्धांत का पेश कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक लिखी थी। यह महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में कहीं पूछ चुका है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल से। चुनाव की सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, किंतु चुनाव संबंधित गतिविधियों का संचालन चुनाव आयोग करता है। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय करता किसी विधेयक के वापस करते समय, वीटो पावर प्रयोग करते समय, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय से सभी कार्य प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति है। तो दोस्तों, यह मैंने आज पार्ट टू दे दिया था, सेट टू। इसी प्रकार आपको लगातार 40 सेट मिलेंगे और आप लोग इसे देख के तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।